बस भाई अब साइलेंट। देखिए आज हम करेंगे अपना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो लास्ट का जो लेक्चर था, लास्ट की जो क्लास थी, उसमें हमने आपको कर दिए थे सिंपल इंट्रोगेटिव, उसमें डब्ल्यू एच भी आ गए थे, लेकिन आज का रहेगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसको ध्यान से देखना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इम्पेरेटिव होता क्या है। कोई पूछ ले व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच शो कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, कंप्लेन, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आर सेंटेंस विच शो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन एटसेट्रा। जो हमारे कमांड को, रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को शो करेगा, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी जो हमें लगे कि ऑर्डर दिया है, कमांड दी है, रिक्वेस्ट दी है, तो क्या होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। वो हमारा क्या रहेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होगा। अब इसमें आपने करना क्या है, अब इसमें जो सेट टू देगा, सेट टू है या फिर सेट है, पहले सेट टू ही मिलेगा, तो उसमें आपने कर देना है अकॉर्डिंग टू सेंस। में आप लिखूंगा सेट टू को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की जो सेंस होगी ना, उसके अकॉर्डिंग सेट टू को चेंज करना, वो बताऊंगा कैसे। और कंजक्शन के लिए क्या लगाना है, फोर कंजक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है, दैट का या फिर टू का, या हम टू कर लेते हैं, चलो टू कर लेते हैं, दैट का भी होगा, दैट का फिर आगे बताऊंगा किसमें होगा, पहले हम इसमें कंजक्शन टू का करेंगे, ठीक है, ये लिखते रहे सर। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो मैंने यहां पे कहा, अगर आदेश दिया है, आदेश दिया करेंगे ऑर्डर, ठीक है, अगर सुझाव दिया है, आवाज लगते कोई नहीं, अगर सुझाव दिया है बाद में कोई डाउट पूछ लेना, सुझाव दिया है तो हम करेंगे इसमें सजेस्टिंग, ठीक है। और अगर इसमें दिया है, क्या नाम है, अगर यहां पे सलाह दी है तो हम करेंगे इसमें एडवाइस, अगर चेतावनी दी है लिखते रहिए तो इसमें वार्निंग, अगर मनाही कहा है मनाही तो फोर वे, ठीक है, फोरवेट कर देंगे, सेकंड मूविंग फोरवेट, ये लिखते रहे नीचे तक देख लेता हूं, कुछ आ रहा है नहीं, ठीक है। तो चेतावनी दिया तो वार्निंग तक, सलाह दी है तो एडवाइस, सुझाव दे सजेस्टिव, और आदेश दिया तो ऑर्डर, एक बार और ये लास्ट वाला मनाही, फोरवेट, एफ ओ आर बी ए डी टी, एफ ओ आर बी ए डी फोरवेट, ठीक है। तो अगर ये दिए हैं तो हम उसमें कंजक्शन के लिए टू का यूज करेंगे और ये बड़े आसान होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल यहां पर आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से देखें, यहां बैठ जाऊंगा उस पर, ठीक है। अब आगे देखिए, फोरवेट, एफ ओ आर बी ए डी टी, फोरवेट लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, राजा सेड टू मिस्टर गोवा,
गो आउट नाउ। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा राजा सर को मिनिस्टर गो आउट नाउ, और इसमें तो रूल कहा था मैंने भी क्या करेंगे, सेट टू को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, ये बात। अब यहां पे राजा सेट टू मिनिस्टर गो आउट नाउ, अब राजा मिनिस्टर को आदेश देगा ना, तो हम क्या करेंगे ऑर्डर कर देंगे, तो हम करेंगे राजा ऑर्डर 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 मिनिस्टर टू गो आउट। फिर हमने क्या करना है, कंजक्शन के लिए इसमें टू लगा देना है, टू गो आउट नाउ को देन, ठीक है। और एग्जाम्पल ये बिल्कुल आसान होते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इसमें कंजक्शन में भैया आवाज ना करे यार, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं देखा मुझे टीचर सेट कोमा इनवर्टेड कोमा थ्रू ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। मान लीजिए आप लिख दिया ओपन द डोर, तो मैं करूंगा टीचर ऑर्डर टू ओपन द, टू ओपन द डोर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो सिंपल वाले, मैं एक नेगेटिव को ऑर्डर करूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं सी सेट डू नॉट रन आउट। अब देखो डू नॉट रन फास्ट, अब इस पे हम क्या कहा है, भी उसने कहा कि तेज मत दौड़ो, अगर इसको सलाह मानेंगे तो एडवाइस कर देंगे उसने, ठीक है भाई तेज मत दौड़ो, अगर वो आदेश माने भी ऑर्डर दिया होगा तो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम कहेंगे यार और कुछ भी नहीं माना तो हम उसको आस्ट भी कर सकते हैं, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम एक कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है भैया ये पता लग रहा ऑर्डर दिया है कि ये सलाह है, अब इसमें क्या होता है सी सेड डू नॉट रन फास्ट, अब ये प्रदेश चेतावनी दी है, सिचुएशन आई क्लियर नहीं है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम आस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आस्ट, जैसे सी आस्ट, अब से डू नोट है, जो भी डू नोट वाले सेंटेंस आते हैं तो डू नोट वाले सेंटेंस को नोट टू करते हैं, डू नोट वालों को नोट टू करते हैं, नोट टू रन फास्ट, ठीक है नोट टू रन फास्ट। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं सी एडवाइज नोट टू रन फास्ट, ऐसे भी कर सकते हैं चेतावनी, चेतावनी में तो सी वारन, सी वारन नोट टू रन फास्ट, मतलब उसको मैंने अभी क्या कहा था आपको अकॉर्डिंग टू सेंस सेट को उसके सेंस अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और अब मैंने फॉरवर्ड वाला कहा था अगर आप किसी किसी सेंटेंस को आप फॉरवर्ड पे करोगे तो हम करेंगे सी फॉरवर्ड, सी फॉरवर्ड टू रन फास्ट। अब ध्यान से देखिए सी सेट डू नॉट रन फास्ट, उसने कहा तेज मत दौड़ो, ठीक है उसने कहा तेज मत दौड़ो तो मनाही करी उसने, तो इसमें सीधा हुआ सी फोर बेड, उसने मना किया टू रन फास्ट तेज दौड़ने से, बात तो ये अब इसमें नोट टू की जरूरत नहीं है, ठीक है इसमें नोट टू की जरूरत नहीं है, तो जिसमें नोट टू की जरूरत नहीं है, इसमें नोट टू की जरूरत नहीं है उसके लिए हम लगा देंगे फोर बेड, ठीक है। और अगर आपने फॉरवर्ड नहीं लगाना तो ये इतने जो सेंटेंस दिए आप इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो सारे ठीक होंगे, लेकिन आपके ऑप्शनल टाइप आएंगे ट्वेल्थ क्लास में, ऑप्शनल टाइप में आप हो सकता है कि सेंटेंस के इसमें से कोई भी एक दे दे, हो
हो सकता फोर पीरियड वाला दे दे, इसलिए मैंने कराया इसको। भाई आपने भी ये देखा कि सी आज ये भी नहीं है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं है, हो सकता है इनको छोड़ को फोर पीरियड वाला दे दे, चारों नहीं होंगे सिर्फ फोर पीरियड वाला कोई एक देगा, ठीक बस साइलेंट। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो चार ऑप्शन आएंगे उसमें केवल एक ठीक होगा, तीन गलत होगा, उसमें से कोई एक मिलेगा, लेकिन आपको पता सारा होना चाहिए, समझ में ना। अब एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, बिल्कुल साइलेंट, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी डू नॉट स्मोक। अब ध्यान से देखिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा कि धूम्रपान मत करो, स्मोकिंग मत करो, तो ये क्या सजेशन हो गया, एडवाइस हो गई। तो हम करेंगे राम एडवाइस नॉट टू स्मोक। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी नोट वाला सेंटेंस आएगा उसमें टू जो कनेक्शन बताता वो नोट के बाद आएगा, नोट के बाद आएगा, ध्यान रखना आपने, टू नोट नहीं करना, अगर आप याद रखें टू नोट वो गलत हो जाएगा, नोट टू करना। अगर इसका फॉर्मेट भी नहीं करें तो राम फोर वे, राम फोर वे मी और वेट मी टू स्मोक, फिर यहां पे नोट हट जाए, क्यों, क्योंकि नोट जो है फोर वेट के अंदर ही शामिल हो रहा है, ठीक है बेटे। इसका तरीका ये भी है और ये भी, तो दोनों तरह से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हो सकता ऑप्शन में एक ये मिल जाए, हो सकता ऑप्शन में ये मिल जाए, मिलेगा एक या तो फोर वेट वाला मिलेगा, ये सीधा एडवाइस वाला मिलेगा। इसके जैसे राम सजेस्टेड सजेस्टेड मी, यहाँ पे ये मी रहेगा, मी लगा देता हूँ, राम एडवाइस मी, यहाँ पे मी लगा देता हूँ, राम एडवाइस मी नॉट टू स्मोक, राम फॉरबिड मी टू स्मोक, दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है। एक तो थी ये टाइप की, अब इसकी मैं दूसरे टाइप पर आ रहा हूँ, इंपैरेटिव सेंटेंस की, वो बड़े ध्यान से समझो, ये टाइप समझ में आई आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरी जो टाइप है वो भी आसान है, वो ध्यान से समझना। देखो इसकी दूसरी टाइप क्या है, इसकी जो दूसरी टाइप रहेगी, अब इसमें हम करेंगे जैसे इसमें है लेट और लेट्स, लेट और लेट्स, इसमें हम सेट टू करेंगे, जो सेट टू है उसमें हम करेंगे सजेस्टेड, सजेस्टेड या फिर हम करेंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, या लेटेस वाला था सजेस्टिंग करेंगे या प्रपोज को, और जो लेटेस वाला है लेटेस वाला हम करेंगे वी या फिर दे सूट, या तो वी सूट करते हैं, चलो सूट लगा लेते हैं, या तो हम करेंगे वी सूट में या फिर दे सूट, इसको लेट्स वो कैसे होगा मैं आपको बताता रहूंगा, वो कैसे होगा, ठीक है। यहां तक लिखते रहिए आप, अब आगे देखो, यहां तक लिखिए आप, अब एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पे मैं करूंगा राम सेड कोमा सिमटिंग कोमा सू लेट्स गो फॉर वो, लेट्स गो फॉर वो, ठीक है। पहले मैं सिर्फ लेट्स का एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो मैंने ये कहा था कि जो लेट्स है उसमें हम बी सूट या दे सूट में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से
जो लेट्स वाले हैं वो सजेस्टिव पे करेंगे, तो राम सजेस्टिव मी, सजेस्टिव मी, मी नहीं है सजेस्टिव, राम सजेस्टिड दैट, सजेस्टिव के लिए दैट लगेगा, दैट लेट्स वाले को वी सूट गो फॉर, ठीक है, वी सूट गो फॉर वॉक। इसका एक और तरीका बता रहा हूं आपको, राम प्रपोज्ड टू गो फॉर वॉक, ऐसे भी आ सकता है। फिर इसमें आपको बी सूट की जरूरत है या दे सूट की जरूरत है नहीं रहेगी, सीधा हो जाएगा राम प्रपोज्ड टू गो फॉर वॉक, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, ही सेड टू मी लेट द बॉय कम, लेट द बॉय कम इन। अब मैं एक लेट वाला समझा रहा हूं आपको, लेट वाला, लेट वाला ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि लेट वाले की बात ध्यान रखनी आपने, एक तो होता है लेट और एक लेट्स, लेट्स में तो आप इसमें बी सूट या दे सूट कर सकते हो या प्रपोज लगा के सीधा टू कर सकते हो एक बार, ठीक है। लेकिन जो लेट वाला रहेगा उसमें आपने लेट ही रहेगा, उसमें तो लेट का हम हटा देंगे, इसमें लेट का लेट ही रहेगा, इसमें लेट का लेट रहेगा, लेकिन हमने क्या करना है उसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम उसमें ऑर्डर कर दें, जैसे ही ऑर्डर मी टू लेट द बॉय कम, ठीक है, ही ऑर्डर मी टू लेट द बॉय कम। अब मेरी बात समझ आई, अगर आपको लेट वाला मिलता है तो लेट वाले में तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था पहले जो टू लगाते कनेक्शन टू लगाएंगे, और आदेश है तो ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसके सेट टू को चेंज कर देंगे, आदेश है तो ऑर्डर, सुझाव है तो सजेस्टेड, एडवाइस सलाह है तो एडवाइस, ऐसे चेंज कर देंगे उसमें। अब जैसे इसने कहा, उसने कहा मुझे कि लड़के को अंदर आने दो, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, तो ही ऑर्डर, उसने मुझे ऑर्डर किया टू लेट द बॉय कम, तो उसमें सिर्फ टू लगा के आपने ऐसे कैसा कर दिया, ठीक है, कर दोगे। तो इसी कुछ मैं प्रैक्टिस आपको सेट दूंगा, अभी आज के लिए इतना ही करेंगे, अब आगे देखिए।